आखिर टूट गया अनुज के सबर का बांध, बरस पड़ा आध्या पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक अपडेट की बहुत चर्चा रही, उस सीन की चर्चा रही जिस सीन में आध्या अनुपमा की बैंड बजाती है। बहुत ही बढ़िया वाला सीन था, और इस सीन को अगर हम देखते हैं बहुत गहराई से तो इस सीन से पहले क्या हुआ उसकी तरफ भी ध्यान जाता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आध्या अनुपमा से टकराई, आध्या वहां पे अचानक पहुंच गई। वो पहुंचते ही उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया। अनुपमा खुश थी, रेस्टोरेंट रीओपन हुआ है, सब लोग खुश थे, मगर आध्या ने आते ही बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा बम जब फूटा तो समझ में आया कि आध्या किस मोशन में आ रही है। अनुपमा तो इतने दिनों से यहां पे थी, उसकी आंखों के सामने थी। अगर आध्या चाहती तो पहले भी आके अनुपमा को बोल सकती थी, क्योंकि इससे पहले उसको पता चल गया कि अनुज और अनुपमा मिल चुके हैं, देख चुके हैं एक दूसरे को, मगर आध्या को हमने अनुपमा के पास नहीं देखा। अनुपमा की कोशिश थी कि अनुज अब वापस उनकी जिंदगी में ना जाए, यानी कि अनुज को ही वो टोकती रही कि पॉप्स आप नहीं जाओगे, आप उस औरत से संबंध नहीं रखोगे, उस औरत को हमारी जिंदगी में नहीं लाना है, वगैरह वगैरह। वो अनुज को इंस्ट्रक्शन देती ही रही। तो असल में होता क्या है दोस्तों कि हर इंसान की एक लिमिट होती है, अनुज की भी एक लिमिट है। अनुज ने बहुत प्यार किया है आध्या को, और करता है, करता रहेगा, क्योंकि उसका बेटी से आगे उसको अनुपमा भी नहीं दिखती है, ये हम सब ने देखा है, और ये होता है, बाप को अपनी बेटी से प्यार होता है। मगर यहाँ पे जो प्यार है ये इस तरह से आगे बढ़ा है कि आध्या का ही जो है पूरा का पूरा कह सकते हैं कि उसका नेचर, उसका बिहेवियर सब खराब हो गया। उसको लगा कि मेरे पॉप्स जो है मेरे ऊपर कभी चिल्ला नहीं सकते, मेरे पॉप्स मेरे ही कंट्रोल में है। मगर जब ये सबर का बांध टूटा और अनुज आध्या पे चिल्लाया, जो आध्या ने अनुपमा को कहा आते ही, जो डायलॉग उसने बोला कि मेरे पॉप्स मेरे पे कभी चिल्लाए नहीं, तुम्हारी वजह से वो मेरे ऊपर चिल्लाए, जिसका मतलब यही है कि अनुज आध्या पे चिल्लाया अनुपमा की बात को लेके। अब आप ये सोचिए कि अनुज इतने दिनों से अनुपमा के खिलाफ आध्या से बातें सुनता आ रहा है, अनुपमा कहना, आध्या का वो औरत कहना, उसको हमारी जिंदगी में नहीं लाना है, उसने हमें बर्बाद कर दिया, सब सुनता आया है, फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ अनुपमा के लिए। मगर ऐसा तो कुछ बड़ा कहा होगा ना आध्या ने, जिसकी वजह से अनुज के सबर का बांध टूटा। आध्या अपनी हर बात अपने पॉप से मनवाना चाहती है, वो अपने आप से ही डिसाइड करके बैठी है कि ये औरत हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पॉप की जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। तो बच्चे ने एक डिसीजन ले लिया, बाप मानता गया, अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं ये एंड होना ही था। अब अनुज चिल्लाया होगा, अनुज को भी बहुत बुरा लगा होगा बाद में, क्योंकि अनुज उस सीन में नहीं है, मगर आध्या उस सीन में पूरी तरह से छाई हुई है, अनुपमा पे बरस रही है, बिना ये सोचे कि कहां पे खड़ी है, क्या बोल रही है, क्या सोचेंगे लोग उसके बारे में। और यही बताता है कि इसके पहले जो सीन हुआ है उसमें आध्या की अनुज ने कितनी बैंड बजाई है। तो ये सबर का बांध टूटा है, मुझे इस सीन का तो जो हमने देखा है सो देखा है अपडेट्स में, मगर मुझे इंतजार उस सीन का है जो आध्या ने ये कहा है कि मेरे ऊपर मेरे पॉप्स चिल्लाए जो कभी नहीं चिल्लाए थे। इंतजार तो मुझे उस सीन का है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अनुज कुछ तो स्टैंड ले, कुछ तो आध्या को कुछ तो लेसन सिखाए। बच्चों के साथ होता है, बच्चे आते हैं, बच्चों को गुस्सा भी आता है, सब आता है, मगर ये अलग तरह का बच्चा है, बदतमीज बच्चा है ये, तो इस बच्चे को किसी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं वो सीन कैसे आता है, क्या आता है, मगर इससे एक चीज तो मुझे जो दिख रही है वो यही है जो मैंने आपसे शेयर किया, जो इस प्रोमो में, जो इस अपडेट में सिर्फ एक डायलॉग के तौर पर, मगर वो डायलॉग बहुत कुछ कहता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।